Minister of Uttar Pradesh and former Drug Controller General of India. 1 week, one theme of healthcare. We started from IICB Kolkata. 2 days event was organized in CDRI Lucknow. Honorable Union Minister for Science and Technology and Earth Sciences, Minister of State in PMO, Ministry of Personal Public Grievances and Pension, Department of Atomic Energy. Different dignitaries, invited guests, scientists, पहले तो मैं ये कहूंगा कि मुबारकबाद की हकदार है CSIR मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू कश्मीर सरकार और यहाँ के साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर्स हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकरण मंत्री श्री सतीश शर्मा जी केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग के साथ ताउन के साथ मुश्तरका तौर पर ये आज प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। डॉक्टर जबीर IIIM CSIR के डायरेक्टर उसके सूत्रधार रहे और लगभग 7-8 इस तरह के हिंदुस्तान के आला तरीन अदारे हैं साइंसी अदारे जहां से वहां के एक्सपर्ट्स वहां के डायरेक्टर आज इस 2 दिन के प्रोग्राम में मौजूद हैं। एक तरह का स्टार्टअप कंक्लेव भी है, स्टार्टअप नुमाइश भी है, एग्जीबिशन भी है और ख़ास तौर जम्मू कश्मीर जहाँ पर के हेल्थ स्टार्टअप और एग्री स्टार्टअप्स को लेकर के बेइंतहा सरमाया है जिसे ना आज तक कभी किसी ने तराशा ना तलाशा। वजीर आजम मोदी जी के आने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर को और इन कुदरती सरमाए को वो तवज्जो हासिल हुई जिसके हकदार थे और जिसके लिए उन्होंने शायद 60-70 बरस इंतजार किया था। जम्मू कश्मीर ही वो सूबा है जिसने हिंदुस्तान को पर्पल रेवोल्यूशन का तोहफा दिया यानी बैंगनी क्रांति जिसका जन्म गुलमर्ग और भदवा से हुआ आज वो उत्तराखंड और हिमाचल तक फैल गया और इसका भी श्रेय वजीर आजम मोदी जी को जाता है। बार बार उन्होंने इसकी हौसला अफजाई की, मन की बात में तफसील के साथ से बात की। 26 जनवरी को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर उसकी झांकी निकाली गई और आज ये एग्री स्टार्टअप लेवेंडर स्टार्टअप एक नया विकल्प एक नया ऑप्शन बनकर के आया है नौजवानों के लिए, सस्टेनेबल स्टार्टअप एंड ल्यूक्रेटिव लाइवलीहुड। उसी तरह से हेल्थ स्टार्टअप्स को लेकर के जो हमारे अरोमा के सरवाए हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ा करके नौजवानों के लिए रोजगार का जरिया बनाया जा सकता है उसका भी यहाँ पर बातचीत भी हो रही है और उसकी नुमाइश भी है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि आने वाले वक्त में क्योंकि मोदी जी की सदारत में हमने एक नई पॉलिसी लाई है बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के बायो इकोनॉमी को लेकर के जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी E3 बायो E3। मुराद ये कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेशन क्योंकि आने वाली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है दुनिया भर में वो बायो इकोनॉमी ड्रिवन होने वाली है जिस तरह से कि पिछली रेवोल्यूशन 1990 की दहाई में इंडस्ट्रियल IT ड्रिवन थी और उसमें जम्मू कश्मीर का अहम रोल रहने वाला है क्योंकि इसके पास वो कुदरती सरमाए मौजूद है जो हमारी बायो इकोनॉमी में शिरकत भी कर सकते हैं उसकी वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं सन 2047 के भारत की जब हिंदुस्तान अपनी आज़ादी का 100वीं सालगिरह मनाएगा तो जो शताब्दी भारत कैसा होगा उसकी तस्वीर कैसी होगी उसका चेहरा कैसा होगा वो भी बहुत हद तक मुनस्सर रहेगा जम्मू कश्मीर के सरमायों पर जम्मू कश्मीर के स्टार्टअप्स पर और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की जो ग्रोथ स्टोरी हम फ्रजाइल 5 से हम 5वें इकोनॉमी पे आ गए और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उस ग्रोथ स्टोरी में एक अहम रोल एक अहम पहल जम्मू कश्मीर के वाबस्कीम से होने वाली है। डॉक्टर साहब अगर हम बात करें 370 के हवाले से यहाँ पे एक अलग ही बहस छिड़ गई है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान लगातार ये चल रहा है कि हमारे इसमें नहीं था ये जबकि मरकज से साफ कर दिया गया था कि उसका पॉसिबिलिटी मुझे लगता है कि जो आम इंसान है कहीं भी वो जो भी बदलाव लाया गया है मोदी जी की सदारत में उससे मुतमईन भी है खुश भी है और मोदी जी की सदारत में हिंदुस्तान की जो तरक्की की का सफर है जो विकास यात्रा है उसका हिस्सा भी बनना चाहता है। अनेकों मौके जो मोदी जी ने नौजवानों के लिए फराहम किए हैं हिंदुस्तान भर में कश्मीर का नौजवान भी उससे अपने आप को अलग नहीं रखना चाहता। ही डज नॉट वॉन्ट टू मिस दी बस। यहाँ का नौजवान बहुत एस्पिरेशनल है और आगे बढ़ना चाहता है।